छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सरकार के खिलाफ भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। निगम में वर्षों से काबिज कांग्रेस सरकार पर भाजपा पार्षदों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नगर निगम कार्यालय का घेराव। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमाझपटी हुई। वहीं भाजपा पार्षदों ने 27 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। अंबिकापुर शहर की बदहाल सड़कें, पानी, गंदगी सहित अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता काफी आक्रोशित नजर आए और नगर निगम के मुख्य गेट को तोड़ने पर उतारू हुए। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को भी कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझपटी हुई। वहीं भाजपा महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी निगम सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने निगम परिसर में चूड़ियां फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदर्शनकारियों ने शहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 घंटे तक कार्यकर्ता नगर निगम के मुख्य गेट पर प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भाजपा का आरोप है कि निगम में कांग्रेस सरकार बने 7 वर्ष हो चुके हैं, जबकि निगम सरकार चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे आज तक पूरा नहीं कर सकी। नगर की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। नगर में लगभग सभी क्षेत्रों में समस्याएं व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल सामान्य सभा में समस्याओं के समाधान हेतु अवगत कराते रही, परंतु निगम की कांग्रेस सरकार सत्ता के मद में मस्त है। मद है ऐसे जो लोग राज्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे लोगों की निगम की सरकार है, प्रदेश में भी उनकी सरकार है, लेकिन पिछले 7 वर्षों से जब तक ये लोग यहाँ निगम की सरकार में बैठे हैं, पूरे नगर की व्यवस्था खत्म हो गई है, पूरे नगर का विकास रुक गया है। इन सारे मामलों को लेके हम लोग चाहे समान सभा में और लगातार बार बार कई विषयों को हमने समान सभा में भी उठाया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीच बीच में हम सब लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से सभी चीज़ों पर उनका ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई, कोई अमल नहीं हो रहा है। इन सब के मामलों को लेके जो पूरे सड़कों में जैसे आज हालत खराब है, गड्ढे हो गए हैं, धूल उड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, चौक चौराहों में पूरी सड़कों में आवारा पशुओं का पूरा डेरा बना हुआ है, पूरे वार्डों में कोई ना सड़क का काम हो रहा है ना नाली का काम हो रहा है। पानी की स्थिति ऐसी है कि हम लोगों के समय में लगातार 7 घंटे 8 घंटे पानी मिलता था, आज कुछ कुछ क्षेत्रों में तो मुश्किल से 10 मिनट ही पानी मिल रहा है, कई जगह 1-1.5 घंटा पानी मिल रहा है। पूरी पानी की व्यवस्था चौपट हो गई है। केंद्र सरकार की जो अमृत मिशन योजना है, जिसके चलते 1 अरब रुपए का जो काम हो रहा था, उसमें बहुत भयंकर बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। और जब DPR बना था, उस DPR में काम पूरा न करके 37 करोड़ रुपए फिर से मांगा जा रहा है। ये भ्रष्टाचार को उजागर करता है कि उस DPR में काम नहीं करा पाए, पाइप सप्लाई कोई किया है, काम कोई और कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ, पूरे चौक चौराहों में हालत बहुत खराब है। अब बस स्टैंड का हालत देख लीजिए, वहाँ अवैध गुमटी रख के पूरी स्थिति खराब कर दिए हैं। जो अभी वहाँ कंक्रीटीकरण किए थे, उसका बुरा हाल है, पूरा उखड़ रहा है। उस पर हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया था, कोई जांच नहीं हुई। ई रिक्शा खरीदे में पार्षद दल के द्वारा जांच हुआ था, उसमें दोषी पाए गए थे, उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ये जो बैठे हुए लोग हैं, सबको बचाने में लगे हुए हैं। कर्मचारियों की हालत ऐसी है कि उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। ठेकेदार लोगों का काम ऐसा है कि आज 2-2, 3-3 साल तक बिल अटके हुए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। ये पूरा हालत खराब है। प्रधान प्रधान आपकी मांगे इतना सक्रिय मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है और मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करें? देखिए, 25-26 मांगे पूरे शहर के जितने भी मुद्दे थे, जिसपे हम लोगों ने पहले भी ध्यान आकर्षित कराया था, ज्ञापन दिया था, कार्रवाई नहीं हो रही। आज हम लोग आंदोलन के माध्यम से घेराव करके इनके आँख खोल रहे हैं, इनके कानों को भर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। न केवल पार्षदगण बल्कि नगर की जनता भी है, और पार्षद और सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो चेतावनी दिए हैं, सारी मांगों के ओर ध्यान आकर्षित कराए हैं। इन मांगों पर यदि कार्रवाई नहीं हुई, इससे भी बड़ा आंदोलन, चाहे चक्का जाम, नगर बंद या पूरा कार्यालय में ताला जड़ना पड़े, इसके आगे और उग्र आंदोलन जो होगा। जनता के हित में हम लोग सब संकल्प हैं, उनके लिए हित में लगातार लड़ाई जारी रखेंगे और हम सब इस नगर के हित में अपनी इन मांगों को पूरा करवाएंगे। आज भाजपा पार्षद दल और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा आज निगम का घेराव किया गया, जिसमें मुझे ज्ञापन दिया गया है। उसमें 27 कुल मांगे हैं जिसके संबंध में उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है। उसमें से कुछ मांगे जो हैं वो यहाँ हमारे निगम स्तर से रिलेटेड हैं और कुछ मांगे जो हैं वो शासन स्तर से संबंधित हैं।
तो जो शासन स्तर से संबंधित मांगे हैं उसको शासन को प्रेषित किया जाएगा, और जो निगम स्तर से संबंधित और लोकल जो चीज़ें हो सकती हैं तो उस पर हम लोग टीम बना के और तत्काल उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।